प्रथम 30 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग, क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज से हमें जो सोशल साइंस पेपर निकाल सकता है। उसके बाद जो 70 से 110 तक जो होंगे ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है कोई भूल भी गया होगा अगर वो कि उसको हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन करना है, इसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है। और ये सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है, हर बार की तरह एक घंटा पूर्व सेंटर पर एंट्री बंद होता है, तो और इस बार हम लोग एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये प्रयास है कि अगर कोई भी इंपर्सनेशन, कोई भी मुन्ना भाई अगर हैं तो परीक्षा के दौरान ही हम लोग, तो इस बार हम लोगों ने ये एडमिट कार्ड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है, ये एडमिट कार्ड में ही यहाँ पर बना हुआ है इनको अपना रोल नंबर अपना रखने के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है। वैसे तो हम लोगों ने एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर तरह का कोई प्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फिर लगा करके या चाइनीज पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेक करेंगे। 8-9 क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर, तो एक डॉट लगा दिया वहाँ, तो बाद में उसने सही आंसर दिया है, लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहाँ पर डॉट लगा दिया, OMR पर डाउट न डॉट न लगा। दो दिन बाद TRE 2.0 होने जा रहा है, तो उसके पहले हम लोग कुछ जानकारी लोगों को देते हैं, खास करके आपके माध्यम से कैंडिडेट्स जानकारी बहुत आवश्यक है। पहली बात कि हर बार की तरह एक घंटा पूर्व सेंटर पर एंट्री बंद हो जाएगा, तो और इस बार हम लोग एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये प्रयास है कि अगर कोई भी इंपर्सनेशन, कोई भी मुन्ना भाई अगर हैं तो परीक्षा के दौरान ही हम लोग पकड़ेंगे, इसलिए हम लोग एंट्री के समय में ही काफ़ी सतर्कतापूर्वक उनकी बायोमेट्रिक चेकिंग की जाएगी, इसमें ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक है, और इसलिए हम सबसे आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग पर्याप्त मार्जिन रखते हुए पहले ही पहुँच जाएँ सेंटर पर और अपना जगह ले लें। दूसरा कि पिछले बार कैंडिडेट्स लोगों ने कई तरह की गलतियां किया था, जैसे रोल नंबर की गलती एक बहुत प्रमुख गलती थी, वो एक डिजिट छूट गया, कभी कोई दूसरा डिजिट छूट गया, कोई गलत दिखा गया, तो इसके कारण से जो कठिनाई हुई थी, तो इस बार हम लोगों ने उनके एडमिट कार्ड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है, ये एडमिट कार्ड में ही यहाँ पर बना हुआ है उनको अपना रोल नंबर अपना रखने के लिए, इसमें कोई ऐसा कोई अजूबा चीज नहीं है जिसके लिए आपको फोटो खींचने की जरूरत पड़े, लेकिन ये एक उनके उनके लिए है कि अगर वो अपने घर पर बैठे हुए ठंडे दिमाग से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में तनाव में आकर के वो कहीं कोई गलती कर देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके और गोला बना लें, गोला को रंग लें सही सही तरीके से, घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना अपना कर लें वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से OMR शीट में गोला बैठाए, तो गलती नहीं हो, चांसेस कम है। दूसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दिए, और हम लोगों के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बंगला
जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है। अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कंप्लेन करने लग हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने एक बार पहले ही साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग से आप आवेदन भर रहे हैं तो आप ठंडे दिमाग से अपना भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसी समय चुन लें आराम से, और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि तो हम पूछते हैं आप गलती करते हैं फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है, वैसे तो हम लोगों ने एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसे है कि नमूना है, ये जैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए गया है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो अगर वो कि उसको हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन करना है, इसका आंसर देना है, क्योंकि इसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। और अगर हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही करना है, क्योंकि तो जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है, और ये सीक्वेंस वहाँ पर दिया हुआ है जो उसने भरा है कि पार्ट ए में हम हिस्ट्री एंड पार्ट बी में हम पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से प्रथम 40 जो है वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इस तरह से चुनना है। एक सौ 150 क्वेश्चन है, 60 नहीं है, 50 क्वेश्चन। मैं फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी क्लियर रहे और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क कर दें। वैसे है, मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए प्रथम 30 क्वेश्चन जो है किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन है, जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज से होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात नहीं कर रहे। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 में जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुना है तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा ओएमआरसी। और फिर 111 से लेकर 150 के क्वेश्चन होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस क्योंकि इस पर लिखा हुआ है तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चन देखेगा और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस, ये सीक्वेंस है। और मैं समझता हूँ कैंडिडेट्स को पर्याप्त सूझबूझ होनी चाहिए, अगर सूझबूझ नहीं होगा तो शायद शिक्षक बनने के लिए भी योग्य नहीं हो शायद वो, लेकिन इतनी सूझबूझ होगी और प्रैक्टिस किया होगा तो जरूर समझ में आ गया होगा, और क्योंकि उसको स्मरण रहे प्रेशर में कहीं भूल न जाए कि पहले कौन सा दिया था, हिस्ट्री लिखा था पॉलिटिकल साइंस, तो इसलिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब रही बात कि इसमें हम लोगों ने पहले पिछले बार भी हम लोगों ने बहुत क्लियर करके रखा था लोगों को कि हम पूरे स्टडी से हम लोग चाहेंगे कि कोई कदाचार मुक्त परीक्षा हो, और इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का और बायोमेट्रिक
वेरिफिकेशन का पर्याप्त इस बार व्यवस्था किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अगर कोई भी अगर ना भाई जैसे अगर वो प्रयास करेंगे अगर तो परीक्षा अवधि में ही पकड़े जाएंगे। और ये भी है कि अगर कोई अभ्यर्थी जो है ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई गलती न करें अपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन को डालने में, जैसे रोल नंबर इन्फॉर्मेशन को डालने में। हम लोगों ने सीरीज को जो क्वेश्चन सीरीज की भी गलती करते थे तो क्वेश्चन सीरीज को इस बार हम लोगों ने हटा दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि क्वेश्चन अलग अलग सीरीज के नहीं हों, वो क्वेश्चन अलग अलग सीरीज के हैं और उसके OMR में वो प्रिंटेड रहेगा पहले से, उनको नहीं प्रिंट करना, लेकिन क्वेश्चन सब अलग अलग सीरीज के रहेंगे और रैंडमाइज भी रहेंगे, डबल रैंडमाइज रहेगा, वो सब अपनी जगह पर है ही। अगर कोई सिस्टम में अगर वो बीच करने का कोशिश करेंगे, जैसे फ्लूइड लगा करके करेंगे, डिटेक्ट होने पर अगर सिस्टम अगर उसको डिटेक्ट कर लेता है तब तो उसको वहीं पर वो आउट हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम नहीं डिटेक्ट करेगा तो भी हम लोग मैनुअली भी चेक करेंगे। इसलिए उनको ध्यान रखना होगा कि भाई इस तरह का कोई कुप्रयास ना करें। कई बार लोग फ्लूइड नहीं, जैसे आजकल फ्लूइड नहीं लेके जाते हैं, चाइनीज पेन लेके जाने की कोशिश करेंगे या लेकिन आप हमारे OMR में कुछ ऐसे टेक्निक लगा हुआ है इस बार कि वैसा भी कुप्रयास ना करें वो, क्योंकि पकड़े जाने पर उसकी खामियाजा बहुत ज़्यादा हो जाए। और हम लोगों ने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत वो लोग अपना अंदाज लगा ही सकते हैं, लेकिन इस तरह का कुप्रयास बिल्कुल ना करें कि नाखून से या ब्लेड से या फिर लगा करके या चाइनीज पेन से इरेज करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबका मैनुअल चेकिंग करेंगे तो सिस्टम से पकड़ लेगा तो मैनुअल चेकिंग तो होना ही है और कड़ी कार्रवाई हो जाएगी उस पर, वो ऐसा प्रयास ना करें। और कई बार हम लोगों ने देखा है, बल्कि इस परीक्षा में तो उतना नहीं लेकिन किसी दूसरी परीक्षा में हम लोगों ने देखा, बड़ा अफसोस भी हम लोगों को हुआ कि एक कैंडिडेट ने आठ नौ क्वेश्चंस पर क्या किया कि उसको जैसे डाउट होता है कैंडिडेट्स को कोई आंसर पर तो एक डॉट लगा दिया वहां, बाद में उसने सही आंसर दिया है लेकिन शुरू में अगर डाउट है तो वहां पर डॉट लगा दिया। OMR पर डॉट न लगाएं, क्योंकि वो उस कैंडिडेट के केस में हम लोग 8 से 9 क्वेश्चंस को हम लोगों ने हटा दिया, उसका करेक्ट आंसर था लेकिन चूंकि उसने बगल में दूसरे गोला के अंदर में भी अगर डॉट लगा के रखा था, और हमने जैसा बताया कि हम मैनुअली चेकिंग करते हैं, बहुत अफसोस है मुझे कि उस कैंडिडेट को उसके कारण से नहीं हुआ। अगर कोई संशय है तो अपने बुकलेट में लगाया ना, क्वेश्चन बुकलेट में अपना गोला लगाएं, डॉट लगा दें, बाद में आप उसको भर दें, फाइन। लेकिन अगर OMR में अगर डॉट लगा देते हैं, और मेरा सिस्टम इस बार ज़्यादा तगड़ा भी है, तो वो पहले तो वो वहीं वहीं से डिटेक्ट हो जाएगा और वहीं से आपको आउट कर देगा, और अगर वहाँ से नहीं भी होगा तो मैनुअली भी हम लोग उसको चेकिंग करेंगे और वहाँ से आउट। तो इसलिए अभ्यर्थी ऐसी कोई गलती ना करें, साफ सुथरे तरीके से करें, कोई संशय है तो अपना बुकलेट में लगाएं, बाद में लगाएं, एक ही आंसर लगाएं, एक से अधिक लगाना उनके लिए आत्मघाती हो जाएगा। देखिए ऐसे एबरेशन जो हैं, आप इक्का दुक्का केस आप जैसे हो सकता है कि उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ऐसा किसी भी ऐसी किसी परीक्षा में अपने क्वेश्चन बुकलेट पर उसको रफ करना, कोई कैलकुलेशन है तो अपना कैलकुलेशन कहाँ करेगा वो, अगर कोई मैथमेटिक्स का कोई सवाल है तो कैलकुलेशन करेगा ना, किसी चीज़ पर करेगा ही, तो कहाँ करेगा वो, इसलिए वो चीज़ नहीं है। वो बहुत एक्सट्रीम आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो ऐसा कोई जनरलाइज नहीं कर सकते उसको। और मैं इसमें इसी संबंध में मैं एक जानकारी दे दूं कि आपने तो बताया कि वो ओवर स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे जगह सेंटर्स में हम लोग तो हमेशा परीक्षा लेते ही रहते हैं, उसके बाद भी कई परीक्षाएं हो चुकी हैं, और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सेंटर में
एक सेंटर में जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो हमने कई बार पूर्व के अवसरों में बताया है कि कुछ कार्य हम पर्दे के सामने करते हैं और कुछ कार्य पर्दे के पीछे करते हैं, और हमारे लिए दोनों कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्दे के पीछे का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण। और उसमें अगर कोई हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को, गाइडलाइंस को अगर उल्लंघन करते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक सेंटर, सेंटर का नाम तो आपने ले लिया लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, सेंटर का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसका सेंटर का नाम ले लिया इन्होंने, वहाँ के सेंटर सुपरिटेंडेंट के सेंटर ट्रेनिंग सेंटर टीचर, सेंटर सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया। वो हमारे एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का एक माइनर उल्लंघन था। लेकिन होता क्या है कि अगर माइनर उल्लंघन ही कभी कभी बहुत मतलब आत्मघाती हो सकता है, इसी के कारण से पूरी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए हम लोग अपने इस पर्दे के पीछे के गाइडलाइंस खास करके, उसमें अगर कोई एक माइनर चूक भी कर किया, और ये कैसे पकड़ा है, सेंटर सुपरिटेंडेंट ने अगर गलत किया तो वो तो अपने सेंटर में तो वो ऑल इन ऑल है, फिर भी कैसे पकड़ा गया। वेरी पिछले बार से हम लोगों ने जो कैमरा तैयारी वन से जो स्टार्ट किया, कैमरा की व्यवस्था, वो आगे की सारी परीक्षाओं में कैमरा की व्यवस्था कर इस दी है। बार कुछ टीआरई वन में नहीं पकड़े गए, टीआरई वन की बात नहीं है अच्छा ये। उसके बाद एक और परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में उन्होंने लापरवाही बरता, हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। वो छोटा परीक्षा ही था, लेकिन छोटी परीक्षा में ही अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो ये एक बन जाता है, कभी वो भर जाता है। आप ब्रेक बिना लगाए वो चले जा रहे हैं, जब तक चले जा रहे हैं तब तक चले जा रहे हैं, और एक्सीडेंट हो गया, हम तो ब्रेक ही नहीं लगाए थे, बाकी सब तो ठीक ही चला रहे हैं, है ना। सामने सेंटर का नाम बता देते हैं, अब क्या आदमी का नाम नहीं बताया जाएगा, वो दैट इज नॉट करेक्ट। सेंटर का नाम बता दें। बाकीपुर गर्लफ्रेंड तो इसलिए वहाँ मैं सभी आपके मीडिया के माध्यम से सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी आगाह करना चाहूँगा कि हम लोग इस बार और जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि टीआरई वन में माइनर प्रोटोकॉल सही तरीके से नहीं जानकारी होने के कारण से भी हो सकता है, इग्नोरेंस से भी हो सकता है और लापरवाही से भी हो सकता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल की जो कहावत है, तो सब कुछ अगर ठीक से रहा तब तो ठीक ही रहा, लेकिन आदमी अगर कोई इंश्योरेंस कराता है तो किस लिए कराता सर। है, उस संभावना को देख कर ही कराता है ना। कमला कमला नेहरू का जो भी इच्छा को हम लोग यहाँ से उसको कार्य मुक्त किए हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। नहीं, तैयारी वन के बाद, तैयारी वन के बाद मैंने पीछे कहने का मतलब है कि जो पर्यवेक्षण हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि मुखौटा। मेरे कहने का मतलब उस पर हम लोग एक्शन भी ले रहे हैं। टीआरई वन के भी एक सेंटर को हम लोगों ने इस बार डिलीस्ट कर दिया, दो सेकंड दो सेंटर को डिलीस्ट कर दिया, और उस पर शो कॉज भी पूछा गया है, इसलिए कि हम लोगों ने पाया कि इनविजिलेशन जो है वो, आप लोग में से कुछ लोग हम समझते हैं कि कमांड एंड कंट्रोल रूम में उस समय होंगे भी, शायद आप लोग भी शायद देखे होंगे कि एक उस अभ्यर्थी पर हम लोग यहाँ से बार बार कह रहे हैं कि तुम उसको जाकर पकड़ो, दोनों बैठ करके आपस में बैठ करके मिलान करके लिख रहा है, और इन्विजिलेटर जाता था बार बार और उस जगह पर नहीं देख करके उस पर दूसरी तरफ देखता रहता था। सर, यहाँ पर बोलते थे यहाँ से हम लोग इंस्ट्रक्शन दिए हैं, फिर भी इन्विजिलेटर उस काम को नहीं कर रहा है, तब हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो पूरा वीडियो क्लिपिंग भेज दिया यहाँ से, और उस वीडियो क्लिपिंग फिर वहाँ से मजिस्ट्रेट लोग गए, उन दोनों अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया, वो तो खैर गए ही गए, उस पूरे सेंटर को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर, जिला बता दीजिए, छपरा जिला छपरा का जिला। है और दूसरा पटना जिला हाँ, उसको तो हटा दिया, अब नहीं ले रहे, वो उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर सेंटर ही दिया, ब्लैक लिस्टेड। सेंटर ब्लैकलिस्ट कर दिया हम लोगों ने, कि भाई वहाँ पर एक इन्विजिलेटर बार बार हम लोग यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे, हम लोग सब लोग देख रहे थे, आपके कुछ लोग साथी लोग होंगे उस समय कमांड एंड कंट्रोल रूम। मैं इतनी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
सभी कैमरा की नजर में। और इस बार हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त कैमरा भी लगाया है, क्योंकि हमें जहां लगा कि जहां डार्क स्पॉट्स हैं उनको कवर करने के लिए हम लोगों ने बेहतर व्यवस्था करने के लिए किया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार हम लोगों ने नंबर ऑफ सेंटर्स भी हम लोग जिला भी हम लोग उसके हिसाब से थोड़ा कम किए, क्योंकि मैनेजमेंट बेटर रहे, कंट्रोल रूम भी बेटर तरीके से हो सके, इसलिए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी कम है। कितने जरूरी